इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बैसावड़ी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है लीलिया जिला अमरेली। राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर ग्रोथ टू द मैक्सिमम पोटेंशियल इन ऑल द स्टेट्स। आप बागवानी की फसल लेते हैं? अभी तो नहीं लेते हैं, हमारा यहाँ पानी और मिट्टी का कनेक्शन एक ही नहीं है, इसलिए पानी थोड़ा खराब है, इसलिए हमें मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है और बाद में हमारी फसल खराब हो जाती है। सर, जैसे इनका पानी और मिट्टी का कनेक्शन कह रहे हैं अच्छा नहीं है, तो उसके लिए इनको क्या करना होगा? रिकमेंडेशन करूंगा, अगर आपकी जमीन में ज्यादा सलाइनेस है तो आप जिप्सम का यूज कर सकते हो। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 1 नवंबर मंगलवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। करेंगे योगा, हो जाएंगे फिट। हमको ऊपर लेके जाएंगे और सामने की तरफ देखेंगे, सुनेंगे कहानी। यहाँ से दूसरी जगह चले जाना चाहिए। बच्चों के बढ़ते मानसिक संतुलन पर डिसिप्लिन होता है सोने का, ये स्पेशली बच्चों में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जो सिक्रीशन उसको रात को करना चाहिए क्योंकि आप जग रहे हैं, वो नहीं करता। और 30 अक्टूबर रविवार दोपहर 1 बजे, पुनः प्रसारण शनिवार 5 नवंबर दोपहर 1 बजे, सिर्फ दूरदर्शन नेशनल। गांव की मिट्टी और वहां का परिवेश हमें हमेशा अपनी ओर खींचता है, उसी गांव की संस्कृति को संजोने आ रहा है एक नया कार्यक्रम, चलो गांव चलें। देखना न भूलें बहुत जल्द दूरदर्शन किसान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। खेती की उन्नत तकनीकें हो या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी, साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। चेतावनी देता हूं सबको कि आज से विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा, एक ही ईश्वर style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. बातें बहुत देखी लेकिन ट्रैक्टर चलाने वाली और खेतों में काम करने वाली सरपंच पहली बार देख रहे हैं। साथ देने के लिए साथ चलना भी तो जरूरी है।
प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना जो चलाई है वो इसलिए चलाई है कि इससे आय कुछ दुगनी हो, ये भी एक औपचारिकता है आय दुगनी करने के लिए। क्योंकि जब हम फसल बोते हैं, जैसे खरीफ की फसल लगाएंगे, अब जैसे इसमें धान लगाएंगे, बाजरा लगाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि हमने जो फसल बोई तो कोई भी आपदा आ जाती है तो इसमें जो हमारा प्रीमियम कटता है, तो जब आपदा आई, जल भराव हो गया, तो हमारी जो जब तक हमारी जो लागत लगी तो उसकी लागत के लिए हमको प्रीमियम कटा, उसके हिसाब से वो अपना पैसा देते हैं हमको, तो हमको वो लागत तो मिली। और जो कटाई होती है, जैसे लास्ट में करते हैं क्रॉप कटिंग करते हैं, तो उसमें क्रॉप कटिंग के एवरेज से फैलाते हैं कि इसमें 80% नुकसान है, 70% नुकसान है, तो उसको वे देते हैं। और इसका लाभ हर किसान को लगभग 23 साल से मिल रहा है। केसीसी ले रखी है तो बैंक वाले करते हैं, पहले तो वे अपने आप ही काट देते थे, लेकिन पिछले साल से ऐसा कर दिया है कि आपको जाके कहना पड़ेगा कि मेरा बीमा किया जाए फसल का, और यदि नहीं कराना चाहते हो तो मना करनी पड़ेगी, एक लिखित देनी पड़ती है। और कहीं ना हो तो आजकल जन सुविधा केंद्र खुले हुए हैं गांव-गांव में, उन पर जा करके अपने कागजात ले जाएँ, आधार कार्ड ले जाएँ और बैंक की पासबुक ले जाएँ और वहाँ जा करके अपना बीमा कराएँ, और बीमा कराने से लाभ ही लाभ है। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के जिला अमरेली के गांव मोटा लीलिया में, जिसका ब्लॉक पड़ता है लीलिया। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं कपास की फसल में। आप देख सकते हैं कपास की फसल जो है हमारे किसान भाई किस तरीके से ले रहे हैं, कितनी अच्छी फसल ले रहे हैं, हमारी फसल जो है किस तरीके से लहला रही है। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में, चर्चा करेंगे किसान भाइयों से कि किस तरीके से वो खेती कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव मोटा लीलिया में, जिसका ब्लॉक पड़ता है लीलिया, जिला अमरेली। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। आपको बता दें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत यहां पर कपास की फसल और दाल की फसलों के लिए यहां पर चुना गया है। कपास की फसल इसलिए चुनी गई है क्योंकि यहां पे नई नई तकनीक हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाकर उनको एक अच्छा उत्पादन और दाम प्राप्त
करवा सकें। और साथ ही साथ यहाँ पे जो दाल वाली फसलें हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर दाल की फसल कम होती है, तो यहाँ पे उसको अच्छी फसल और ज़्यादा पैदावार के लिए यहाँ पर उसको चुना गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विभाग के वैज्ञानिक। सर ये बताइए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की आज हम बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है उसमें यहाँ पे पल्सिस क्रॉप, कॉटन क्रॉप और ऑयल सीड, इसके लिए प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसमें जो सीड होता है, सीड के साथ जो दवाई होती है, उसका किट बना के डेमोंस्ट्रेशन के रूप में फार्मर को देते हैं, और उसके अंतर्गत खेती का कोई जो भारी हेवी औजार होता है तो उसमें भी गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी के फार्मर को देते हैं, तो जिससे वो खरीद करके वो अपनी खेती में यूज़ करे। और जो कॉटन सोइंग कर रहे हैं या फिर पल्सिस का सोइंग कर रहे हैं या फिर ऑयल सीड का सोइंग कर रहे हैं, तो उसकी जो उत्पादन की क्षमता है वो बढ़े और फार्मर को अच्छा उत्पादन मिले और आर्थिक फायदा हो। यहाँ की मुख्य फसल कपास है, उसके बावजूद भी हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में इसको क्यों लिया? देखिए यहाँ पे कॉटन बेल्ट है ना, तो कॉटन जो है कैश क्रॉप है, तो फार्मर को जो है कैश क्रॉप होता है तो उसके प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा, आकर्षण ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो उसको उतार लेता है तो बाद में उसको मार्केट वैल्यू मिल जाता है। जो पल्सिस क्रॉप है उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ता है और बेचने के लिए मार्केट में भी थोड़ा उसको वेट करना पड़ता है, तो इसके लिए सब है तो कठोर पल्सिस क्रॉप है उसको सोइंग कम कर दिया है, लेकिन अभी जो है पल्सिस क्रॉप में सबको सब्सिडी वगैरह दे रहा है, तो फार्मर को किट के स्वरूप में भी दे रहे हैं और पल्सिस योजना के अंदर दूसरे जो पंप सेट है, पाइपलाइन है पानी के लिए जो है, तो उसमें भी हमारे यहाँ पे सब्सिडी हम दे रहे हैं फार्मर को। दाल वाली फसलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत रखकर उसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? इसमें यहाँ पे जो है पहले जब सीजन शुरू होता है तो यहाँ पे हमारे क्रॉपिंग सिस्टम बेस निदर्शन आता है, फिर क्लस्टर निदर्शन आता है। क्लस्टर निदर्शन में भी एक सिलेक्टेड क्रॉप है उसके अंदर उसका बियारण है, उसके साथ दवाई है, और इस साल हमने जो दिया है उसमें पूरा बायो दिया है, क्योंकि जो ज़मीन है वो बिगड़ती जा रही है रसायन के कारण, केमिकल के, तो उसके साथ जो किट दिया है तो उसमें सब बायो प्रोडक्ट दिए है, तो जिसके हिसाब से ज़मीन में जो है जो विषैल तत्व है वो कम हो और फार्मर की जो ज़मीन है वो फल रूप और उसमें जो बायो माइक्रोबायल जो होता है, न्यूट्रिएंट्स है, हाँ न्यूट्रिएंट्स है और माइक्रोबायल होता है वो उसका जतन हो। तो कौन कौन सी यहाँ पे दाल वाली फसल हमारे किसान भाइयों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत पे काम किया जा रहा है? यहाँ पे मूंग है, उड़द है, फिर अरहर है, चना है, वो सभी जो क्रॉप है वो सब पल्सिस में आते हैं, और उसमें जो भी किट बनाते हैं वो सिलेक्टेड फार्मर को हम देते हैं और वो अपने खेत में लगाते हैं। कितने समय से चल रहा है ये मिशन? ये मिशन जो है वो काफ़ी साल से चल रहा है, यानी कि 5-10 साल से चल रहा है, और सरकार की जो पंचवर्षीय योजना आती है उसमें भी ये बहुत मायने रखता है, यानी कि सरकार की ये फ्लैगशिप योजना है। देखिए जैसे कि हमारे वैज्ञानिक ने बताया सरकार की ये फ्लैगशिप योजना है। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की आज चर्चा चल रही है, आप ये बताइए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में यहाँ पर एक तो आपकी कपास की फसल और दाल वाली फसल है, उसमें आपको क्या लाभ मिल रहा है? कपास में ज़्यादा फायदा होते हैं। और हमारे वैज्ञानिक नई नई तकनीक के बारे में बताते हैं आपको? हाँ वो बताते हैं, तो उससे आपको फायदा हो रहा है। हाँ, और जो हमारे वैज्ञानिक आपको ये भी बताते हैं कि जो दाल वाली फसल है उसको किस प्रकार से लेना है, कहाँ बेचना है, उसमें कौन कौन किस किस चीज़ का ध्यान देना है कि जिसमें पैदावार अच्छी हो, तो हमारे वैज्ञानिक आपको बताते हैं? वो सब बताते हैं, लेकिन दाल वाली फसल होती ही नहीं है, पकने नहीं देते हैं, कम होती है। हाँ, तो इसके लिए आप हमारे वैज्ञानिक से सवाल कर सकते हैं। रोज आओ नीलगाय और जंगली सुअर वो कुछ खाने ही नहीं देते, फसल सब खा जाते हैं, पाक पूरा बिगाड़ देते हैं, इसलिए कोई उगाते नहीं है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे नील गाय जो है और जंगली सुअर जो है वो फसल को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी फसल आगे नहीं बढ़ पाती है। तो उनका एक सुझाव है कि इस पर अगर
हमारी जो नील गाय अगर फसल को खराब नहीं करेगी तो उनको और अच्छा लाभ मिलेगा। तो हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की आज चर्चा चल रही है, आप ये बताइए कि जैसे आपके यहाँ पे कपास और दाल वाली फसलें हैं तो उससे आप क्या लाभ ले रहे हैं? वो कपास की जो फसल है उसमें हमें बहुत कंपेयर टू वो कठोल वाली पैदावार के कंपेयर में हमको इससे बहुत बढ़िया फायदा होता है। और जो कठोल जो है उसमें क्या है कि यहाँ हमारी ज़मीन कुछ खारा पाट के हिसाब से हम उसमें से बहुत अच्छा उत्पादन नहीं ले रहे, तो उससे ये आपकी ज़मीन खारी है या उसकी वजह से आप दाल वाली फसल नहीं ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे हैं, और ज़्यादा पैदावार भी उसमें हमें नहीं मिलती है। तो इसके बारे में आपने वैज्ञानिक से बात करी थी हमारे कि इसमें पैदावार नहीं मिल रही है, तो उसके लिए क्या करें? वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो रसायन सभी यूज करने के लिए। उसके बाद भी नहीं हुआ? नहीं हुआ रहा। कपास की फसल अच्छी हो रही है? कपास की फसल ठीक ठीक हो रही है। नहीं नहीं, तकनीक के बारे में बताते हैं हमारे वैज्ञानिक? हाँ, वो जो आती है गवर्नमेंट की वो बताते हैं, तकनीक बताते हैं। तकनीक बताते हैं, लेकिन यहाँ की जमीन की वजह से हमें वो बहुत बढ़िया जो है पैदावार वो नहीं मिल रहा है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिक नई नई तकनीक तो बताते हैं परंतु जो पैदावार है उसमें कमी आ रही है। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पैदावार में कमी आ रही है तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कि जमीन जो बता रहे हैं खारी है तो उसके लिए क्या करना होगा? अभी ये जो पूरा ब्लॉक है ना उसमें सलाइन सोइल का प्रॉब्लम है, जमीन जो है उसमें सलाइन ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जिप्सम का उपयोग करेंगे, हर साल नहीं दो तीन साल का अंतराल रखें और जिप्सम का उपयोग करें तो आपकी ज़मीन में जो सलाइन का प्रॉब्लम है, सलाइन सोइल का जो प्रॉब्लम है आपका, काफ़ी सॉल्व हो जाएगा। और खाद्य सुरक्षा मिशन में भी आता है जिप्सम का और ऑयल सीड में भी आता है जिप्सम का, दोनों में जिप्सम कंपोनेंट है उसमें हम सब्सिडी हर साल प्रोवाइड करते हैं। कितने परसेंट सब्सिडी मिलती है उसमें? अगर फार्मर लार्ज लैंड होल्डिंग हो तो उसको 50%, यानी कि ये जो योजना है उसमें 50% मिलता है। 50%? तो उसके लिए उसको कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे? उसके लिए उसको अपना आठ जो जमीन का जो उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है जो आठ बोलते हैं उसको, और उसका अपना आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट लेके हमारी ऑफिस पे जमा करना होता है। उसके बाद प्रोसेस करके जब हमारे पास योजना का लक्ष्यांक आता है तो उसके हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, बताया कि आपको इस पर सब्सिडी भी मिलती है, आप इसे सब्सिडी लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से लाभ की प्राप्ति कीजिए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की, मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो, बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मोटा लीलिया की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। आपको बता दे आज की जो चौपाल है गुजरात के जिला अमरेली से है, हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की चर्चा चल रही है, आपके जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कपास और दाल वाली फसल है, क्या आपको उससे लाभ मिल रहा है? कपास में लाभ मिल रहा है, फसल में कभी कभी लाभ मिलता है कभी नहीं मिलता है, बारिश बहुत होती है तो कम मिलती है,
एक अच्छा मिलता है। और दाल वाली फसल की बात करते हैं तो दाल वाली में चना के बड़ा मग और उसी तुवेर लाभ मिलता है उसमें। कभी कभी मिलता है, कभी बिगड़ जाता है, बारिश बहुत होती है तो बिगड़ जाता है। लाभकारी है? लाभकारी है। तो जैसे कि हमारे वैज्ञानिक हैं ये गांव में आपको कपास के लिए नई नई तकनीक के बारे में बताते हैं? हाँ बताते हैं, सब भी बताते हैं। दाल के बारे में भी बताते हैं कि जो दाल है वो कैसे उसकी अच्छी गुणवत्ता होगी? हाँ बताते हैं, ये भी बताते हैं, ये भी बताते हैं। ये मिशन लाभकारी है? लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है वो बहुत लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। आपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से लाभ ले रहे हैं? ले रहे हैं। ये मिशन आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो ब्लॉक है लिलिया तालुका, वहाँ पे मेजर हमारा क्रॉप जो रहता है वो कॉटन का रहता है। कॉटन यहाँ पे ज़्यादा खेत इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि एकड़ के डीथ यहाँ से 40 से 45 मन कपास आराम से बढ़ जाता है। लेकिन साथ साथ में जब ज़्यादा बारिश रहती है तो पिल्क ब्रॉम नाम का एक इंफेक्शन रहता है जो गुलाबी ईयर बोलते हैं, उसके इफेक्ट के कारण कभी कभी कपास के अंदर कम उत्पादन आता है, गुलाबी ईयर लग जाता है हमारी कपास में, उससे नुकसान होता है। उससे नुकसान होता है। इसके बारे में यहाँ हमारे जो वैज्ञानिक है उसे खेडूतों को सबको जाकर समझाना चाहिए कि भाई ये पेस्टिसाइड अगर डालेंगे तो अच्छा होगा। साथों साथ हम यहाँ पे अभी अपने साइड जो रासायनिक खातर का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं वो हार्मफुल रहता है, इसके हिसाब से हमें जो ऑर्गेनिक खेती टाइप हमें जाना पड़ता है, रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ हमारी यहाँ पे टोटल लगभग पूरे ब्लॉक में 12,000 खेडूतों को पैक्स और बैंक से लोन भी मिल रहा है, जो 3,00,000 तक के बिना ब्याज के लोन मिलता है, जिसको किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। और साथों साथ गवर्नमेंट की यहाँ पे 0% से मिलता है, केंद्र सरकार 3% देती है और स्टेट गवर्नमेंट 4% देती है, और 0% से खेडूतों मिलता है, उसके लिए उसके फायदा रहता है। गवर्नमेंट की स्कीम बहुत अच्छी है और खेडूतों को बहुत सारा फायदा भी मिलता है। लगभग यहाँ पे सारे जो खेडूत बैठे हैं वो सब उसका लाभ किसान क्रेडिट का ले रहे हैं। लेकिन साथों साथ उसके साथ गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है, जो गोडाउन बनाते हैं, ट्रैक्टर लेते हैं, अगर उसको कोई इक्विपमेंट चाहिए जो फार्मर को, उसके हिसाब से सब्सिडी भी ज़्यादा मिलती है। ये लाभकारी है? लाभकारी है। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं? काम कर रही है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? जो अभी काम कर रहे हैं देश के कृषि मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहे और खेडूतों के बारे में दुगनी आए जो जिसका सपना है वो जल्दी साकार हो, इस तरफ से आगे बढ़े, उसके लिए शुभेच्छा। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे किसानों के लिए इतनी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे कृषि मंत्री जी को भी वो कह रहे हैं कि जिन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं किसानों तक पहुंच रही है। आपको बता दें इस वक्त हम गुजरात के जिला अमरेली में हैं, हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजनाएं बहुत अच्छी है, किसानों की जो आय है वो भी बढ़ रही है, तो इतना अच्छा काम हो रहा है, योजनाएं धरातल तक पहुँच रही हैं। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे हमारे किसान भाई का एक सवाल था कि जब बारिश होती है तो उसमें कीड़ा लग जाता है, तो उस कीड़े की रोकथाम के लिए उनको क्या करना होगा? इंगबॉल वर्म के लिए आप अगर दवाई का यूज़ करना चाहते हैं तो जब आपका कॉटन जो है 1-1.5 महीने का हो जाए और उसमें थोड़ा थोड़ा जो फूल है वो लगना शुरू हो जाए, तब इंगबॉल जो है वो एगिंग शुरू कर देती है। उस वक्त आप जब कोई भी दवा का छिड़काव करते हैं तो उसमें क्लोरपाइरीफॉस 50 cc या 30 cc 50-50 ml डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो भविष्य में जो है वो पिंक बॉल वर्म का जो अटैक है वो आपको बहुत कम रहेगा। और दूसरा हमारे पास फेरोमोन ट्रैप का भी ऑप्शन है, फेरोमोन ट्रैप अगर आप यूज़ करते हो तो फेरोमोन ट्रैप में भी पिंक बॉल वर्म है वो बढ़िया काम करेगी, तो इस तरीके से रोकथाम हो जाएगा, रोकथाम हो सकती है। देखिए आपके भी अगर बरसात में कपास में बीमारी आ रही है जो हमारे वैज्ञानिक ने बताया, उससे आपको रोकथाम मिलकर लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की चर्चा चल रही है, ये बताइए मिशन आपको ये कैसा लगा? ये से कपास के लिए तो बहुत बढ़िया है, पण ये के पाणी आणि कपास अमारे आईनू जे जमीन है ये खारस पाटे लीलिया तालुकामां जे नेर आवे पाणी नी ने डेमनू पाणी जे सरकार सुविधा करे अने एनी माटे जे काय थाय आप चाहते हैं यहाँ पे डैम बने? हाँ डैम बने, डैम की सुविधा चाहते हैं, सुविधा नेर का पाणी दे केनाल
केनाल के स्थिति पानी दे तो बहुत बढ़िया, केनाल का पानी चाहते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर केनाल का पानी देंगे तो यहाँ पे जो ये कह रहे खारी जो जमीन है उससे उनको लाभ की प्राप्ति होगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से और मिलाव। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की चर्चा चल रही है, आपने इस मिशन से लाभ लिया है? नहीं लिया है। हमारे वैज्ञानिक आपको बताते हैं यहाँ पे कि जैसे कपास की फसल है उसमें नई नई तकनीक के बारे में बताते हैं? तकलीफ व्यापारी में हूँ, मछली बहुत आती है, नुकसान ही बहुत करती है। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, व्हाइट फ्लाई और ब्लू फ्लाई जो है हमारे किसान की जो कपास की जो फसल है उसको नुकसान पहुंचा रही है, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा? जब कॉटन में व्हाइट फ्लाई का अटैक हो तो एसीटामिप्राइड पाउडर आता है, उसको 5 ग्राम पंप में मिला दीजिए और उसके साथ जो है ट्राइजोफोस दवा है उसका भी 40 ml का साथ में छिड़काव कर सकते हैं, तो व्हाइट फ्लाई का अटैक कम हो जाएगा। और व्हाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा जब कॉटन का पूरा एज होता है, यानी कि तीन चार महीने का कॉटन हो जाता है, उसमें फ्लावरिंग लग जाता है, उसमें जो उसका उत्पादन शुरू होता है उसके बाद होता है, तो उस वक्त आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, खेत में थोड़ा स्काउटिंग करिए, देखिए कि भाई व्हाइट फ्लाई यहाँ पे दिख रही है कि नहीं, तो उसके तुरंत उसको मैंने जो बताई वो दवा का छिड़काव कर दीजिए तो आपको उसमें बड़ी राहत मिलेगी। जेसिड के बारे में मैं बता दूंगा कि इमिडाक्लोप्रिड दवा है वो भी उसमें काम करेगी, या फिर जो थायमेथोक्जाम दवा है वो भी उसके लिए काम करेगी। इमिडाक्लोप्रिड है वो 6 से 7 ml और थायमेथोक्जाम है वो 2 से 3 ग्राम, पंप में डाल के उसका उपयोग करिए। और ख़ास तो ये है कि जब आप खेत में जाए तो एक बार उस निरीक्षण कर लीजिए छोड़ का कि भाई कौन सी यहाँ पे पेस्ट उड़ रही है अभी, तो जितना आप अर्ली टाइम पे उसका कंट्रोल करेंगे उतना फायदा आपको उत्पादन में रहेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे किसान भाई इससे पहले उनको एक सवाल था कि यहाँ पे रासायनिक खेती होती है, तो रासायनिक खेती से अगर उनको प्राकृतिक खेती पर आना है तो उसके लिए उनको क्या करना होगा? देखिए मेरा यहाँ पे प्रयत्न चल रहा है, मैं यहाँ पे 3 साल से यहाँ पे डेप्यूट हूँ, यहाँ पे मेरा काम चल रहा है, तो पिछले 3 साल से मैंने फार्मर को नीम ऑयल का यूज़ तो करवाना शुरू कर दिया है। हमारे गवर्नमेंट की स्कीम में आते हैं नीम ऑयल, तो फार्मर को पहले तो ट्रायल बेस पे शुरू करवाया था, अभी फार्मर सामने से मांग रहे हैं कि भाई नीम ऑयल आया कि नहीं, यानी कि 2-3 साल से यूज़ कर रहा है तो उसको नीम ऑयल के फ़ायदे मालूम पड़ गए। नीम ऑयल जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक दवा है, नीम के ऑयल से बनती है, उसमें कोई जहर नहीं होता है, केमिकल नहीं होता है और वो छोड़ को लाभदायी भी होती है। हमारे वैज्ञानिक ने जो बताया है उसको ध्यान में रखकर अगर आप करेंगे तो उससे आप भी निजात पा सकेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की चर्चा चल रही है, आप ये बताइए आपके यहाँ पे कपास की जो फसल है उसके बारे में नई नई तकनीक के बारे में हमारे वैज्ञानिक बताते हैं, क्या आपको उससे लाभ मिल रहा है? लाभ मिल रहा है, कपास की फसल लाभकारी है? लाभकारी है, इसमें क्या है एक बार लगाने से इसमें डायरेक्ट कपास ही मिलता है, और धान में क्या है, धान में उसमें थ्रेसर लाना पड़ता है, मजदूर लाना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ और
यहाँ का पानी खराब है इसलिए कपास ज्यादा लगता है, इसलिए फायदा होता है। अगर दाल वाली फसल की बात करते हैं तो दाल वाली फसल आपकी कैसी हो रही है, अच्छी होती दाल है? दाल वाली फसल अच्छी नहीं होती है, यहाँ कोई लगाता नहीं, थोड़ा ज्यादा लगाते हैं, वो ज्यादा नहीं लगाती कोई। कपास की फसल अच्छी हो रही है? कपास की अच्छी होती है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं यहाँ कपास की फसल तो अच्छी हो रही है, परंतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत अगर हम दाल की फसल की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर अभी अच्छी नहीं हो रही है। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि सर आज हमने देखा कि दाल वाली फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत अभी अच्छी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी हमारा प्रयास तो ऐसा है कि फार्मर को जब हमारी योजना आती है तो उसमें जो भी कोई भी घटक आता है, निदर्शन आता है या फिर उसके लिए कोई एक सिंगल कंपोनेंट आता है, वीडीसाइड आता है, पेस्टिसाइड आता है या फिर बायोपेस्टिसाइड आता है, तो उसके बारे में जो है सभी जगह पे यानी कि पूरे ब्लॉक में जो हमारे ग्राम सेवक है वो सबको बताते हैं। लेकिन फार्मर अगर कॉटन लगाया है तो फिर वो सोचेगा कि भाई धान के लिए जो है मैं क्या करूं। और पहले भी आपने जब ये सब खेडूत के रिव्यू लिए तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे कॉटन जो है कैश क्रॉप है और उसके लिए जो जिसमें कैश जल्दी मिल जाता है तो उसके प्रति आकर्षण सबको ज़्यादा रहता है, इसलिए वो झंझट में नहीं पड़ते हैं धान वो पल्स की, और यहाँ पे कॉटन का जो है मेजोरिटी यहाँ पे सोइंग होता है। तो आप किसान भाइयों को दाल वाली फसलों के लिए जागरूक करेंगे और नई नई तकनीक के बारे में बताएंगे? बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी खेडूत मौजूद है वो सब मेरे को पहचानते हैं और हमारे ऑफिस भी जानते हैं। अगर किसी को पल्सिस क्रॉप में लगाने का कोई आइडिया आए और बताए कि भाई हमें को लगाना है तो हमारी ओर से कोई भी योजना होगी तो उसके तरफ से हमारा 100% उसको सपोर्ट रहेगा, कृषि विभाग उनको सहयोग करेगा। हाँ, कृषि विभाग की तरफ से हमारा पूरा सहयोग रहेगा, और जो भी क्रॉप आप लगाना चाहते हैं उसके बारे में कोई हमारा निदर्शन किट आया होगा, उसके बारे में किसी भी कंपोनेंट में गवर्नमेंट की सब्सिडी आई होगी, तो आप निसंकोच हमारी तालुका पंचायत खेतीबाड़ी जो हमारी ऑफिस है वहाँ पे आके हमारा संपर्क करिएगा। देखिए हमारे वैज्ञानिक ने कहा किसी भी तरीके की अगर आपको समस्या आती है तो आप कृषि विभाग में आइए, हम आपको समाधान देंगे। साथ ही साथ अगर आप दाल वाली फसल लेना चाहते हैं, समस्याएं आ रही हैं, तब भी आप हमारे वैज्ञानिक से जाकर संपर्क करें, वो आपको उसका समाधान करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की जो मुख्य फसल है वो कपास है, किसानों का जो रुझान है वो सबसे ज़्यादा कपास पर रहता है, कपास की जो अच्छी फसल यहाँ पर ली जाती है। आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, टीवी पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें। आज के गांव मोटा लीलिया की चौपाल चर्चा से बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, नमस्कार।